दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज मी भूपेंद्र चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कुछ अपनी क्रिएटिविटी बताने वाला हूँ जो कि मैंने कुछ ही दिनों में पहले की है। तो गाइज, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट हाँ कह सकता हूँ कि छोटा सा एक जो स्टूडियो है अपने लिए मैंने वो क्रिएट किया है। इस वाले रूम में नहीं, यहाँ पे इस वाले रूम में। चलिए गाइज, आपको मैं बताता हूँ अपना मिनी स्टूडियो जो कि मैंने क्रिएट किया है अभी कुछ दिनों पहले, और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ इसको, बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ इस प्रकार फ्रंट से दिखाई देता है, और हार्डवेयर सिस्टम ले रखा है कंप्यूटर का, जो कि ODG और USB हब के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से, और अपन मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं इन हार्डवेयर सिस्टम को। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनको अपन चला सकते हैं। तो मतलब एक कंप्यूटर वाली वाइब आ जाती है। हाँ, आ जाती है कंप्यूटर वाली पूरी, मेरे को तो आ गई, मतलब मुझे तो आती है पूरी कंप्यूटर वाली वाइब। और पीछे मैंने ये पर्दा लगा दिया है जो कि है, ये पर्दे की कहानी बहुत पुरानी है। तो फिलहाल मोबाइल को लगाते हैं साइड यहाँ पे, और वहाँ पे करते हैं कैमरा चालू। आपको बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें जो है मुझे चाहिए थी, और ये स्टूडियो क्रिएट करने के लिए मैंने क्या क्या किया है। तो पहले तो मैंने एक USB हब लिया था, बहुत ही महंगा पड़ गया, 350 का ये पड़ गया मुझे। ODG एक ली थी, वो ख़राब निकली, चेक करके तो लाया था, बट एक दो दिन इसने काम किया बढ़िया से। और ये Type-C की है, और ये लिया कीबोर्ड और माउस। बहुत दिन हो गए थे मुझे कंप्यूटर लाए, क्योंकि मेरा जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट हो चुका था DCA का, मुझे अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो उसको बरकरार बनाना था। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, आपको पता है कुछ भी चीज़ें सीखनी हो या कुछ भी चीज़ आपको अब अगर इन फ्यूचर याद रखनी हो तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये जुगाड़ू सिस्टम लगाया है, अभी इनसे ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये जो टेबल है ये मैंने लिया अपने बड़े भैया से, कज़न से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते वक्त मुझे बहुत सुकून आता है। क्यों? क्योंकि पहले तो यहाँ पे विंडो लगी है, ठीक है, विंडो से हवा आती सीधी, वैसे तो सभी जगह खुला है, कहीं से भी हवा जाती है, बट हाँ अच्छा लगता है जब पूरी ओर से लाइटिंग, और गर्मी का एहसास भी नहीं होता बिल्कुल भी। ये जो पर्दा आप देख रहे हो ना मेरे बैकग्राउंड पे, मेरी स्कूल की पेंट है, रखी हुई थी, इसको सिलवाया नहीं था, तो इसके काम ही आ रही है। तो चलो, मैंने सोचा कि बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया जाए, जल्दी शॉर्ट वीडियो पे भी काम करेंगे। फिलहाल बहुत कुछ अभी अपन को सीखना है। दोस्तों, ये था मेरा मिनी स्टूडियो, और आप सभी को मेरा स्टूडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। और गाइज, चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।